The Bharat Bachao Dibas is synonymous with Modi Hatao Dibas. Today on 9th August, we are here from NewsClick near Mandi House, where students, teachers, activists, farmers, agricultural labourers, factory workers with their respective organisations have joined for what they are calling the Bharat Bachao or the Save India protest. Today is when the Quit India movement, which was a national movement, began in India against the British Raj. Today they are here with their individual demands from their individual organizations, but also with a consolidated idea of what India is, an idea that they wish to push forward. Come, let's have a look at what they have to say. देश तभी बचेगा जब हम सब एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आदिवासियों ने, किसानों ने और मजदूरों ने इस देश में अंग्रेजों को चुनौती देने की पृष्ठभूमि तैयार की, बैकग्राउंड तैयार की। तो वर्कर और पीजेंट की, फार्मर की यूनिटी कोई नई नहीं है। The trade union movement is also raising the demands of the peasants to repeal the farm laws and also ensure legally guaranteed MSP. And also importantly, the trade union movement is demanding that the government should take up universal free vaccination. Even now, though the government has to some extent gone back on its initial decision, but even today, 25% of the vaccines are, the vaccine companies are allowed to sell to the corporate private hospitals. And what we see today is only 9 big corporate hospitals are taking 50% of the vaccine. So this is creating a divide. It is not only an economic divide, even on the question of health, on the question of education. The divide between those who can afford, the rich and the poor, is increasing. किसान सिर्फ किसान ही नहीं है जो खेत में अनाज पैदा कर रहा है। अगर वो किसान अनाज नहीं पैदा करेगा तो वर्किंग क्लास जो है उसको अगर सस्ता अनाज नहीं मिलेगा तो हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वही कोलैप्स कर जाएगा। तो किसानी अलग, मजदूर अलग, शिक्षा अलग, ये इस रूप में अलग अलग करने की कोशिश जो है वो लगातार होती रही थी और उसी का परिणाम है कि एक एक करके अलग अलग करके बेचा गया। सरकार तो बोल रही है निजीकरण में पब्लिक को फायदा है, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं है। उनको बराबर की नौकरियां नहीं मिल रही है, उनके बच्चों को काम नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे बच्चे होकर के भी अपना डॉक्यूमेंट लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं मिलती। आज जो कोविड आया उसके टाइम में बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनकी फैमिली भूखे मर रही है। सरकार क्या कर रही है? किसी भी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा सरकार नहीं दे रही है। राशन कार्ड है, कहीं भी राशन को राशन नहीं मिल रहा है। कितने लोग भूखे मर गए, कितने लोग कोविड से मर गए, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है? जो भी सरकार है, सरकार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कौन बनाता है? पब्लिक बनाती है। लेकिन उनको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाकर पब्लिक का फायदा होता है? सरकार वोट तो ले लेती है, वोट के टाइम में हाथ जोड़ के घर घर घूमती है कि आप हमें वोट दीजिए, आपके लिए यही स्कीम लागू करेंगे, आपके लिए वही स्कीम लागू करेंगे। कोई स्कीम किसी को भी नहीं मिलता है। जैसे दिल्ली सरकार मकान वाली को ये बिजली का बिल फ्री किया ना, हमारे लिए सरकार क्या किया? ना घर का किराया महीने के लिए माफ़ किया, ना बिजली का बिल माफ़ किया। अगर उनके लिए फ्री है तो हमारे लिए भी बिजली का बिल फ्री होनी चाहिए। तो हम सरकार से बहुत दुखी है। हमारा भी शौक नहीं है कि सरकार को हम गाली दे, बोले या कुछ भी करें, लेकिन सरकार हमें बहुत परेशान कर रही है। अगर सरकार ऐसे करेंगी तो हम सारा यूनियन इकट्ठा होकर के उनको वोट नहीं देंगे। सरकार आएगा जाएगा, लेकिन यहाँ के जो मेहनत कश जनता है वो इसी देश को बनाने में हर दिन अपना जो श्रम है उसको देते हैं, और उस श्रम का मर्यादा रखा जाए इस देश के अंदर, उनके लिए ऐसे नीतियाँ बनाया जाए जो उनके भले के लिए हो, ना कि उनको ख़त्म करने के लिए या उनका शोषण करने के लिए हो। ये सरकार जो है वो आज पूरी तरह जो कंपनी राज को लड़ के भगाया था, अंग्रेज राज को लड़ के भगाया था, जो हमारा नेशनलिज्म जिसको हम भारत का राष्ट्रवाद कहते हैं, वो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए और उससे अर्जित किया हुआ राष्ट्रवाद था, आज उसी स्वदेशी के आधार पर चलती हुई भारतीयता के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बेचने की कोशिश हो रही है। आज के समय पे जिस तरीके से नेशनलिज्म को डिफाइन किया जा रहा है पूरे देश भर में, चाहे वो किसानों के आंदोलन से देखा हो, मजदूरों के आंदोलन से देखा हो, आज सरकार की नीति के विरुद्ध अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई हक की अपनी बात बोल रहा है, उसको इमीडिएटली एंटी नेशनल घोषित कर दिया जा रहा है, इस देश के विरोध में घोषित कर दिया जा रहा है।
तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इकट्ठे होकर ये जो नेशनलिज्म का डेफिनेशन है उसको रीडिफाइन करें और बोले कि आज इस देश के अंदर जो मेहनतकश जनता है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जिनको आज के समय में भी 70 साल बाद देश के स्वाधीनता के 70 साल बाद भी उनको अपना हक नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आज की लड़ाई है। हम समझते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के आंदोलन की जो अचीवमेंट्स हैं उसको मोदी की सरकार जीरो कर रही है। चाहे वो वर्कर्स की अचीवमेंट थी, पीजेंट्स की अचीवमेंट्स थी, डेमोक्रेसी की अचीवमेंट्स थी, राइट टू डिसेंट की अचीवमेंट थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अचीवमेंट्स थी, उन सारे अधिकारों पे कुठाराघात मोदी की सरकार ने किया है। तो खेती कानून के ऊपर जब हमला हुआ, लेबर कोड के ऊपर हमला हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर हमला हुआ है, ये तीनों हमले इस तरह से एक जोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें हम देखें कि समाज का कोई भी तबका इससे बच नहीं सकता है। अगर लेबर कोड खत्म हो रहा है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ना है, खेती पर कानून अगर है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ना है, और अगर शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति हमें अब जो वर्किंग क्लास है उसको ऊपर बढ़ने का एक आधार था, आज उसी सार्वजनिक शिक्षा को बेचने का ये अंतिम फैसला कर लिया गया है। और इसी यही वजह है कि आज किसानों के साथ, मजदूरों के साथ छात्र और शिक्षक भी एक साथ खड़े हुए हैं। सरकार केवल मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और लोगों के विरोधी ही नहीं है, इस सरकार को हम देश विरोधी मानते हैं, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है ये उसको देश विरोधी कहते हैं। तो ठीक है ना, फिर तय हो जाएगा कि देश विरोधी कौन है। इसलिए हम जो स्वतंत्रता आंदोलन के भागीदार थे, आज हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने वाले आखिरकार उखाड़ के फेंक दिए गए और ये कंपनी राज स्थापित कर रहे हैं देश के कॉरपोरेट घरानों और विदेशी कंपनियों की, तो इस कंपनी राज को हम क्यों स्वीकारेंगे।